अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हो जी आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया यूनिट जो कि है जी यूनिट नंबर 2। लिखने पर तो जी देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे, यूनिट नंबर 2 है जी मेरे पास, नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। सब चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर पेज नंबर 12। सबसे पहले ये देखिए, आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं रिमेंबर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है जी, पॉइंट्स में हमारे पास गिवन है। तो पहला पॉइंट हमारे पास है जी, डिजिट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नंबर्स, यानी कि डिजिट्स एक बिल्डिंग ब्लॉक है नंबर्स का। ईच डिजिट हैज़ अ प्लेस वैल्यू, हर डिजिट की अपनी अपनी जगह होती है। द प्लेस वैल्यू चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ 10 एज यू मूव फ्रॉम वन कॉलम टू द नेक्स्ट। 10 का फ़र्क आता है जैसे आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में मूव करते हैं। लुक एट दिस नंबर, इस नंबर को देखिए। हाउ शुड यू रीड इट, आप किस तरह से इसको पढ़ेंगे? 689,314,572। लेकिन इस तरह से नहीं, उन्होंने कहा कि ये वाला जो तरीका है ये गलत होगा, ये वाले तो इस तरीके से पढ़ेंगे। 689,314,572। अब इसको क्यों पढ़ा हमने इस तरह से? क्योंकि अब वो हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बताएगा। अब मैं अपनी बुक को इस तरह से रख लेती हूँ, ठीक हो गया। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000 और फिर 100,000,000। अब जब मैंने इसको पुट कर दिया, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, तो क्या किस तरह से आया हमारे पास? ठीक है, तो क्या ये वाला ठीक था, ये वाला ठीक था? ठीक है ना। तो अब आते हैं जी नीचे। 6 stands for 600,000,000। जो 6 है, ये जो 6 है ये किधर लाई कर रहा है, कहाँ पे उसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन 600,000,000 है। 8 stand for 8, 10,000,000 और 80,000,000। 80,000,000 ज़्यादा सही है, 8, 10,000,000 नहीं, 8,000,000 मेरे नज़दीक ज़्यादा ठीक होगा। देखिए 8 इस वैल्यू प्लेस पे लाइल कर रहा है। 3 stands for 300,000, 3 stand for 300,000, 1 stand for 1, 10,000, 1 ठीक है। 4 stand for 4,000 और 5 stand for 500, 7 stand for 710 और फिर 2 stand for 2 units। फिर आ जाते हैं इन पाकिस्तान एंड सम अदर साउथ एशियन कंट्रीज, द लैग पीरियड फॉलोज द 1000 पीरियड। जो लैग का जो हमारा जो पीरियड आता है वो 1000 के पीरियड के बीच में दौरान में आता है, ठीक है। द 100,000 के बाद लैग हम लोग कहते हैं ना, 1,00,000 हो गया ये, ठीक है। तो हमारा 1000 की जगह लैक आता है। देखिए अब ये देखिए, यू नो 10,000, 100,000, 100,000, 100,000 यानी कि 1,00,000। ये देख लीजिए, 1,000,000 इज इक्वल्स टू 10,00,000 आता है। पाकिस्तान के अंदर, कुछ साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर ये वाले पीरियड अपनाया जाता है। 10,000,000 हमारे यहाँ इक्वल होता है 1 करोड़ के, और 100,000,000 हमारे पास 10 करोड़ के इक्वल होता है। अब चलते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 1 पे। आंसर द फॉलोइंग, हमें इनके आंसर्स बताने हैं। विच नंबर हैज़ 4 इन द मिलियन प्लेस, इनमें से कौन सा वो नंबर है जिसका 4 लाई कर रहा है कहाँ पर? मिलियंस प्लेस पर। तो जी इसका देखिए, सबसे पहले यूनिट 10,000, 10,000, मतलब कि ये नहीं, 4 लाई नहीं कर रहा। यूनिट 10,000 देखिए ना, यूनिट 10,000, तो यहाँ 4 कहाँ पर लाई कर रहा है? 1000 की प्लेस पे। हमें मिलियन चाहिए, यूनिट 10,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, ठीक है ना। और फिर भी आप लोगों को अभी भी तसल्ली नहीं होती, तो फिर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, यूनिट 10,000, 10,000, 100,000 और फिर मिलियन, ठीक हो गया। और मिलियन देख लीजिए किधर किस प्लेस पे लाई कर रहा है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। गिव द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, इसकी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंड करना है इनके खोल के लिखना, यानी कि उसको हम लोगों ने साथ वैसे लिखना है जिस तरह से हम पैसों में देखते हैं। देखिए इस तरह से एक्सपेंड मतलब खोल के लिख,
ये देखिए, ये एक्सपेंड मतलब खोल के लिखना, मैंने पहले बता दिया। तो देखिए पहले इस तरह से फोर, इसके साथ कितने जुड़ आएंगे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद फिर 7 0 लगा दें, फिर 6, फिर 5 4 3 2 और फिर 1, इस तरह से करके। और 1 फिर यूनिट के साथ, यानी कि 1 यूनिट के साथ 1, यानी कि उसके साथ कोई 0 नहीं होता, यूनिट का मतलब होता है 1। तो 7 एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पर। राइट इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है, यानी कि हम लोगों ने इस तरह से लिखना है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये लीजिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोगों ने प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर पुट करना है, फिर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इसको वर्ड्स में लिखना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट कहते हैं। 261,156,807, ठीक हो गया जी। आगे जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। राइट इन अ व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द 24653814। इसकी हमने प्लेस वैल्यू चार्ट को बताना है कि 2 कहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये लीजिए, ये ले, यू नो, 10,000, 10,000, 100,000, मिलियन, और 10 मिलियन। अब 2 कहाँ पे हमारे पास, 10 मिलियन पे लाई कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 10 मिलियन, ठीक हो गया। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जिस तरह से पहले हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली बस हम प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, देख लीजिए, ये मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर पुट कर दिया, ठीक है ना। अब आते हैं थिंकिंग इवन बिगर, थोड़ा सा बड़ा वैल्यूज की तरफ चलते हैं, थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमेशा छोटी छोटे से बड़े की तरफ जाना चाहिए ना। तो चलिए देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन यू ऐड 1 टू द लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर। 9 डिजिट जो लार्जेस्ट नंबर है उसके अंदर आप 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यू नीड टू मूव 1 मोर कॉलम, आपको एक और कॉलम की तरफ, एक और कॉलम की तरफ मूव करना पड़ेगा, और प्लेस टू द लेफ्ट, अपने लेफ्ट की तरफ। दिस इज द एरिया ऑफ द बिलियन पीरियड, और वो किस चीज़ का, उस कॉलम को हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास बिलियन पीरियड में आ जाएगा। अब मिलियन के बाद याद रखिएगा, मिलियन के बाद बिलियन आता है, जब 100 बिलियन, 100 मिलियन के बाद 1 बिलियन आता है। टेक अ लुक, इसको देखिए, इसको देखिए, हमारे पास लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर है, इसके अंदर मैंने 1 ऐड कर दिया तो हमारे पास ये आ गया, यानी कि 1 बिलियन बन गया। द बिलियन पीरियड इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द मिलियन पीरियड, यानी कि मिलियन पीरियड के बाद आता है 100, ये देखिए 100 मिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन, और 100 करोर ये किसके मुताबिक है, पाकिस्तानी और कुछ साउथ एशियन कंट्रीज के मुताबिक है। लुक एट द कंपेरिजन बिटवीन द पाकिस्तानी एंड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन, तो वो कह रहे हैं कि कंपेरिजन करना है। अब हमने किसमें, पाकिस्तानी, उसमें पाकिस्तानी प्लेस वाले चार्ट में, और इंटरनेशनल सिस्टम में, जो हमारा, हाँ, जो टेंथ, जो हमारे पास 100,000 होता है वो हमारा 1 लाख के इक्वल होता है, और जो हमारा 1 बिलियन होता है वो हमारे 10 लाख के इक्वल होता है। ये वाली क्या चीज़ है, ये हमारे पास इंटरनेशनल है और ये पाकिस्तानी है। 10 जो बिलियन है, मिलियन है हमारे पास, वो 1 करोड़ के इक्वल होता है, और 100 मिलियन किसके इक्वल होता है, 10 करोड़ के इक्वल। 1 बिलियन किसके इक्वल है, 100 करोड़ के ऊपर। द अरब पीरियड यूज द फॉलो टू द करोर्स पीरियड इन द पास्ट, जो अरब के, अरब ममालिक हैं वो, ये जो हमारा, ये जो करोड़ का पीरियड है, इनके करोर, बिलियन, करोर, 10 करोर, ये वाला पीरियड पुराने ज़मानों में यूज़ किया करते थे, बट नो लॉन्गर, लेकिन अब वो भी इंटरनेशनल सिस्टम यूज़ करते हैं। अब जी मूव करते हैं पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बना के दिया गया है। तो इसके अंदर देखिए, पहला ये इस तरह से, अब मैं बुक को दोबारा से इस तरह करने लगी हूँ, ये देख लीजिए, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद क्या आना है, इसके बाद मिलियन आता, बिलियन आता है, बी वाला बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, ठीक हो गया जी। अब आते हैं, दोबारा से सीधी बुक कर लेती हूँ मैं। अब द नंबर इन द अबव टेबल आर रीड एज, यानी कि जो नंबर हमें ऊपर वाली टेबल में दिए गए हैं, ऊपर वाली टेबल के अंदर ये जो नंबर्स बताए गए हैं, इन्हें हम किस तरह से रीड,
द नंबर इन द अबव टेबल एज रीड एज, यानी कि जो इसको जो ये जो देखिए ये नंबर्स दिए हुए हैं इन लोगों ने, नंबर्स इनको हम कैसे रीड करेंगे? हमने किसी को ये तो नहीं कहेंगे ना 7 4 8 6 4 3 5 2 1। अब हम लोगों को तो कुछ वर्डिंग यूज़ करनी होगी, तो उसके लिए हम क्या वर्ड्स यूज़ करेंगे? 7 4 8 million 643,000 and 521। या फिर आप इस तरह, और नीचे वाले जो है, नीचे वाले ये देखिए ये जो 2 वाले नंबर दिए हुए हैं, 2 billion 864,350,197। अब कॉमास की तरफ चलते हैं, ये जो कॉमा डले हुए हैं इनको हम कैसे डालेंगे? स्टार्टिंग टू द राइट, राइट साइड से चलते हैं। कॉमास आर पुट आफ्टर एवरी 3 डिजिट फॉर इजी रीडिंग। कॉमास कहाँ पे पुट करते हैं? हर 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगाते हैं। नाउ डेज हाउएवर मैनी लीव स्पेसेस बिटवीन द पीरियड्स, 2 billion 835,456,000 and 717,000 16 कैन बी रिटन एज, इस तरह से लिखेंगे 2,835,456,715। और ये देखिए ये कॉमे के बगैर है, तो ये वाला ज़्यादा बेटर है। अब आते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 2 पर। गिव द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है। 123 billion 423 1 इनके 123 billion 453,000 and 2,298 की। अब इसका सोल्यूशन, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन ये होगा, ये देख लीजिए। यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 million 10 million और फिर 100 million तक जाएगा प्लेस वैल्यू चार्ट, और फिर हम लोग नीचे वैल्यूज पुट कर देंगे। नेक्स्ट है जी, हमें वर्ड्स फॉर्म में गिवन है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो इसका भी सोल्यूशन ये देखिए। अब ये बिलियन पे जा रहा है, यू नो 10 100,000 10,000 100,000 million 10 million 100 billion billion 10 billion और फिर 100 billion, तो 3 उस पर आएगा बिलियन पर। वैसे भी हम लोगों को इधर वैसे भी 3 billion इस तरह से लिखा हुआ है। फिर आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, तो थर्ड है जी 2 billion। उसी तरह से मैंने इस तरह से कर लिया ना कि ये वाला जो प्लेस वाली चार्ट था इसी के नीचे मैंने इसको भी यूज़ कर लिया। आप लोगों को अलहदा से बनाना है, ठीक है, और यहाँ पे भी इसके ऊपर भी 2 billion, ठीक हो गया। अब आते हैं 6 billion 45 million 337,027। तो इसका जी ये है, ये फोर ये वाला प्लेस वाली चार्ट है इसकी, और ये इस तरह से करके है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, 25,040,015। तो ये लीजिए, अभी वाली पूरी एक्सरसाइज आप लोग एक मरतबा गौर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पर, एक्सरसाइज नंबर 3 पर। जिस तरह ऊपर हमें ये वाली जो ये देखिए ये 2 3 4 5 ये जिस तरह वर्ड्स में गिवन है ना, इस तरह से हमने इनको वर्ड में डालना लाना है। तो मैं पहला पार्ट आपको करके दिखा देती हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे। सो इजी मेथड है, आपने सबसे पहले तो इसको तो क्या करना है, सबसे पहले आपने प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर पुट करना है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर पुट करेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर आपने ये करके लिख देना है 5,760,2,966,850, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं, इसी तरह से सारे पार्ट्स होंगे, आप लोगों ने सबसे पहले प्लेस वाली चार्ट में पुट कर लेंगे तो आपको और भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 पर, कॉमास पुट करने हैं आपने, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा आएगा, ठीक है, उल्टी साइड से, यानी कि इस साइड से हम लोग उल्टी साइड से शुरू करेंगे। तो ये लीजिए ये कॉमास हैं, ये 3 के मैंने कर दिए हैं, 2 के आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। 3 को कोड से देख लीजिए, देखिए हर 3 डिजिट के बाद कॉमा आ रहा है। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप सो बच्चों आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है या कोई भी चीज़ आपको इससे समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुँच जाएगी। तो जी दीजिए मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, घर वालों का भी ख्याल रखिएगा, और मास्क जरूर पहनिए बच्चे, आप लोग अपनी हिफाजत भी रखिए और घर वालों की भी हिफाजत कीजिए। अल्लाह हाफिज़।